देश के दिल मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी रहीं रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकौशल की धरा जबलपुर पहुंचे। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने समाधि स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ अलग अंदाज में नजर आए हैं और तस्वीरों को मैं पकड़ता हूं और तस्वीरों को जब पकड़ता हूं तो मुझे तस्वीर को आपको दिखाने में बहुत आनंद भी आता है। मुख्यमंत्री का ये वीडियो देखिए और आनंद लीजिए, फिर आगे बताऊंगा पूरी कहानी। आप लोग भी सोचते होंगे कि कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत जलवा जलाल रहता है, बहुत मौज रहती है और कोई फिर पूछो ही मत, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इस तरह से नाचना कूदना फांदना भी पड़ता है। नाचना क्यों पड़ता है? जनता जनार्दन जिन्होंने आपको नेता बनाया, आपको माथे पर बैठाया, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उनकी खुशी में शामिल होना पड़ता है और ये खुशी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहगांव और मंडला से आए बैगा आदिवासी नर्तकों के साथ मादर की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आदिवासी कलाकारों ने बैगा नाचा नृत्य से और खुमरी पहनाकर स्वागत किया। सीएम भी जबलपुर में आदिवासी संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आए। सिर पर आदिवासी परंपरा का मुकुट, खुमरी और मादर पर थिरकते मुख्यमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। जबलपुर पहुंचे सीएम की ये 5 अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए, हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि विस्तार न्यूज है, हर खबर पर विस्तार से बात करना है। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी, पूजा अर्चना की, अलग अंदाज में थिरकते नजर आए और ये आपको अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने पहुंचे, अलग अलग अंदाज दिखाया, फिर डॉक्टर मोहन का संबोधन, पूजा अर्चना, कार्यक्रम में शामिल हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर आम जनता को संबोधित भी किया। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी रही रानी दुर्गावती के नाम से मुख्यमंत्री ने सौगात भी दी है, केवल कार्यक्रम में थिरके नहीं है, पहुंचे नहीं है, बल्कि उन्हें सौगात दी है। सौगात क्या दी है सुना दीजिए। सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला, गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम एक मिनट में पर कर लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। आदिवासी बहुल इलाके में 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है और रुक जाइए, आपको बता देता हूं कि ये क्यों हो रहा है। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा इंडिया गठबंधन का पीडीए अलायंस आपको याद है, अखिलेश यादव। आपको ये भी याद होगा कि कैसे संविधान खत्म करने की बात, आरक्षण की बात कैसे कर रहे हैं। इसलिए उड़ीसा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? आदिवासियों को साधने जा रहे हैं, उन्हें खुश करने जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है। बीजेपी से जो वर्ग नाराज है उसे अपनी ओर खींचने, खुद से गले लगाने की ओर बढ़ रही है बीजेपी। 5 दिन पहले भी मुख्यमंत्री बैगा आदिवासी संस्कृति में रंगे नजर आए थे, ये भी वीडियो देख लीजिए। दिखाइए भाई ये वीडियो भी।
जगदीप धनखड़ पहुंचे थे मध्य प्रदेश, और ये कहां, ये बात सिकल सेल की हो रही थी। और यहां कौन कौन पहुंचा था? यहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल पहुंचे थे, यहां स्वास्थ्य मंत्री राजन शुक्ला पहुंचे थे, प्रहलाद पटेल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वो वहां का वीडियो है जहां जगदीप धनखड़ के साथ थिरक रहे हैं कौन? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 19 जून को मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले डिंडोरी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करने आए थे। कार्यक्रम में छोटी बच्चियों ने परंपरा नृत्य प्रस्तुत किया था, डांस प्रस्तुत किया था। आदिवासी नृत्य देखकर उपराष्ट्रपति और सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद को रोक नहीं सके और बच्चियों के साथ खूब थिरके। तब भी मुख्यमंत्री के इस अंदाज की खूब चर्चा हुई थी, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। अब मुख्यमंत्री के इस अंदाज से सियासी मायने भी समझ लीजिए, वो भी आपको मैं समझा देता हूं, क्योंकि विस्तार से हर खबर बताता हूं। मध्य प्रदेश में लगभग 21% आदिवासी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटर्स की खासी अहमियत, आदिवासी वोट बैंक को सत्ता की चाबी भी माना जाता है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें ST अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, 13 सीटें। तो ये जो पूरा समीकरण है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें कि क्यों आदिवासियों के बीच बार बार पहुंचकर मोहन यादव ने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डिंडौरी और अब जबलपुर की ये तस्वीरें खास हैं। महाकौशल के ये इलाके आदिवासी बाहुल हैं। जबलपुर से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी बुगुल फूंका था। आपको याद होगा, विस्तार न्यूज ने पूरी कवरेज दिखाई थी, हमारे सहयोगी भारत सूरज और दुर्गेश साहू एक एक तस्वीर दिखाए थे, पूरा दिखाया था कि किस तरह से वहां प्रधानमंत्री मोदी ने बुगुल फूंका था लोकसभा चुनाव का। यहां उन्होंने MP का पहला रोड शो किया था। छिंदवाड़ा भी इसी क्षेत्र में आता है, अमरवाड़ा में उपचुनाव है जो कि खुद ST आरक्षित सीट है। निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इस लिहाज से भी आदिवासी वोट बैंक पर अभी से BJP नजर बनाकर बैठी है। प्रधानमंत्री भी आदिवासी गौरव समारोह में कई बार शिरकत कर चुके हैं। अब कमान CM डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में है, इसलिए आगामी चुनाव और चुनौतियों को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी हो रही है।